क्या भारत के राष्ट्रीय पटल पर और राजनीतिक पटल पर एक ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा जो अभूतपूर्व है इस लोकसभा चुनाव में? मैं ऐसा मानता हूं कि हर मायने में यह लोकसभा चुनाव अभूतपूर्व रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने यह देखा कि एक जिसको अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट कहते हैं, यह केवल जब इमोशनल चीजें आई उसी समय अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट मिला है। लेकिन कोई व्यक्ति तीसरी बार चुनाव को जाए और अपने कार्य के आधार पर अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट ले, ये भारत के इतिहास में हुआ नहीं है, ये पहली बार होने वाला है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी का थर्ड टर्म, ये टर्म तो 5 साल का है, पर ये अगले 50 साल की भारत की नींव को रखने वाला है। ये जो टर्म है ये इस प्रकार के देश में बदलाव लाएगा और हमारी देश की विकास की गाड़ी को ऐसी बुलेट ट्रेन वाली पटरी पर डालेगा कि हमको कोई रोक नहीं पाएगा। और आज भी हम देख रहे हैं, हम तो देखिए 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बने, 2027 में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, 2047 में विकसित भारत की ओर हमको जाना है और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी बनने जा रहे हैं। हम कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, लेकिन दुनिया के जो पंडित है वो कहते हैं कि भारत 9 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है 2030 तक। तो एक प्रकार से अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार के तेजी से हमारा विकास हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक देश के हिस्ट्री में एक वॉटरशेड मूवमेंट आता है, एक ऐसा समय आता है कि जो समय उस देश की तकदीर को डिफाइन करता है, वो समय ये है।